हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीरोके के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बने रहे। तो बात करते हैं यहाँ पे पाकिस्तान का T20 लीग यानी PSL चल रहा है, जो कि टूर्नामेंट आधा सफर भी पूरा कर चुका है। यहाँ से कुछ टीम प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के करीब है, तो ही कुछ टीम्स टूर्नामेंट से बाहर होने वाली है। इसमें टोटल 6 टीम्स आपस में खेल रही है। तो बात करते हैं टूर्नामेंट का 18वें मैच की, जो कि खेला जाएगा क्वेटा ग्लेडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच में। यह मैच 2 मार्च को रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं अगर वेदर रिपोर्ट की बात करें तो जहाँ पे मैच के दिन मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 58% रहेगा और टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं कि विनिंग परसेंटेज देखते हैं, जहाँ पे बैटिंग फर्स्ट का यहाँ पे 55% जीतने का चांस है, तो ही बॉलिंग फर्स्ट का यहाँ पे 45% जीतने का चांस है। अब बात करते हैं एवरेज स्कोर देखते हैं, जहाँ पे फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 209 है, तो ही सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर 192 है। आगे बात करते हैं दो टीमों का हेड टू हेड चेक करते हैं लास्ट 3 मैच के अकॉर्डिंग। यहाँ पे क्वेटा के लिए डेटेस 1 मैच जीत के आ रही है, तो वहीं पे इस्लामाबाद यूनाइटेड 2 मैच जीत के आ रही है। तो दोस्तों, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस मैच सेशन की जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, टेलीग्राम लिंक भी दिया हुआ है, आप हमें व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन कर सकते हैं। बात करते हैं पहली टीम यानी इस्लामाबाद यूनाइटेड का शॉट एनालिसिस करते हैं, जहां पर टीम ने टूर्नामेंट के फर्स्ट मैच में जीतकर अच्छा स्टार्ट किया। वहीं लेकिन अगले 3 मैच की बात करें तो जहां पे कंटिन्यू टीम हार के आ रही है। लास्ट गेम में बात करें तो जहां पे टीम को जीत मिली थी, वहीं पे 5 मैच में से 3 हार गया और 2 जीत के साथ टीम टेबल नंबर 4 पे खिसक गई है। टीम के कैप्टन की बात करें जो कि सदाब खान है, ओपनिंग में जहां पे मुनरो ने हेल्स की जोड़ी देखने को मिल रही है, जो टीम को अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं। मुनरो ने लास्ट गेम में 82 रन बनाए थे, उन्होंने अब तक 186 रन बनाए। नंबर 3 पर जहां पे अगर सलमान है, अगर सलमान जो टीम के लीडिंग रनर स्कोरर बैटर है, उन्होंने अब तक 5 मैच में 188 रन बनाए। वहीं विकेट कीपर में जहां पे आजम खान जो कि अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। वहीं अगर बॉलिंग में बात करें तो जहां पे नसीम साहब, हुनैन साहब की जोड़ी देखने को मिल रही है, वहीं पे फहीम अशरफ पेस स्टैक में लीड कर रहे हैं, जहां पे नसीम शाह ने 5 इनिंग में 7 विकेट लेकर टॉप पे स्टेबल है। स्पिन डिपार्टमेंट में जहां पे इमाद वसीम और सदाब खान देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं प्लेइंग लेवल देखते हैं, जहां पे एलेक्स सेल्स है, कॉलिन मुनरो है, सदाब खान है, अगर सलमान है, आजम खान है, हैदर अली है, नसीम शाह है, हुनैन शाह, इमाद वसीम है, फहीम अशरफ है और रोमानो रईस है। कुछ की प्लेयर की बात करो जहाँ पे अगर सलमान है, कॉलिन मुनरो है और नसीम शाह। अब बात करते हैं दूसरी टीम यानी क्वेटा ग्लेडिएटर्स का शॉट एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे टीम ने पहले 3 मैच में जीत कर टूर्नामेंट में अच्छा आगाज किया। वही टीम अब तक अच्छा परफॉर्मेंस भी कर रही है, 4 जीत के साथ और 1 हार के साथ टीम पॉइंट टेबल नंबर 2 पे स्टेबल है। जहाँ पे साउथ अफ्रीका का बैटर रिली डोसो जो कि टीम के कैप्टन है, टीम की बैटिंग बहुत स्ट्रांग दिख रही है। वहीं ओपनिंग में जहाँ पे जेसन रॉय और शॉर्ट सकिल की जोड़ी देखने को मिल रही है, जेसन रॉय 5 मैच में 200 रन बनाकर टीम के लीडिंग स्कोरर भी है। जहाँ पे शॉर्ट सकिल ने भी 32 के एवरेज से 164 रन बनाए। नंबर 3 पर जहाँ पे ख्वाजा नफसई जो कि फ्लॉप चल रहे हैं, नंबर 4 पर जहाँ पे कप्तान रोसो खेल रहे हैं, लोअर ऑर्डर में जहाँ पे सरफेन अरफोर ने लास्ट गेम में 58 रन बनाया था जो कि पूरा गेम को पलट कर रख दिया था। वहीं फॉर्मर पाकिस्तान कप्तान जहाँ पे सरफराज अहमद जो टीम के विकेट कीपर है, वहीं बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है, जहाँ पे मोहम्मद आमिर जो कि लास्ट गेम में बाहर थे, वहीं पे सोहेल खान और मोहम्मद वसीम जूनियर भी लगातार विकेट चक्का रहे। जहाँ पे वेस्ट इंडीज का अकील होसन अब्राहम अहमद जो कि स्पिन डिपार्टमेंट में है, अब्राहम ने 10 विकेट के साथ लीडिंग विकेट टेकर भी है। अब बात कर देंगे प्लेइंग 11 देखते हैं, जहाँ पे सनरॉय है, शॉर्ट सकील है, रिली रोसो, ख्वाजा नफसे, सरफेन अरफोर्ड है, मोहम्मद वसीम है, सरफराज अहमद है, अकील होसन है, मोहम्मद हसनैन है, अब्रार अहमद है, मोहम्मद आमिर है। कुछ की प्लेयर की बात करें तो जहाँ पे जेसन रॉय है, शॉर्ट सकील है, अब्रार अहमद है। तो फाइनली दोस्तों, हमने हर एक चीज़ पे डिस्कशन कर ली, तो आगे बढ़ते हैं चलते विनर की ओर। तो हमारे अकॉर्डिंग आज का मैच विनर यहाँ पे इस्लामाबाद यूनाइटेड होगा, बट यहाँ पे अगर बात करें दोनों टीम की तो दोनों टीम काफ़ी स्ट्रांग लग रही है, दोनों टीम अच्छा परफॉर्मेंस करके आगे बढ़ रही है, बट हमारे अकॉर्डिंग आज का यहाँ पे विनर होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड। यहाँ पे क्वेटा ग्लेडिएटर्स को हार मिल सकती है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।